Hey guys, welcome back my channel. आप सबसे बातें करके बहुत दिनों के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है. काफी दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ. एंड फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पिंपल्स को लेकर के, जो कि हर उम्र में हमें बहुत परेशान करता है. फिलहाल मेरे भी एक दो निकल आए हैं, जिसके लिए मैं बहुत मशक्कत कर रही हूँ कि वो जल्दी से खत्म हो जाए. मेरी एक वीडियो थी, एक्चुअली है जॉमा शेड को लेकर के. उस वीडियो में किसी ने मुझसे पूछा था कि पिंपल के बारे में बताइए, पिंपल के सॉल्यूशन के बारे में प्लीज बताइए, ये डर्मा शेड पिंपल ठीक करती है या नहीं. तो बिल्कुल नहीं, डर्मा शेड जो है वो एक तरह का सनब्लॉक है फ्रेंड्स. वो SPF 30 के साथ आता है. एंड डर्मा शेड बहुत ही अच्छी चीजें हैं हमें धूप की किरणों से रक्षा करने के लिए. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे आई बटन पे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप इजीली उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं ये डर्मा शेड क्या है. एनीवेज फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रही हूँ पिंपल्स की. तो पिंपल्स क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले पिंपल्स होता क्यों है और ये कब होता है, कब नहीं होता है, ये सारी चीजों के बारे में आज हम बात करते हैं. तो चलिए, मैं शिवांगी आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल DSS ब्यूटी प्रो. सो फ्रेंड्स, ये जो पिंपल्स होती है वो सबसे ज्यादा देखा जाता है कि 17 से लेकर के 21 के बीच में ये पिंपल्स हो जाती है. चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, ये इजीली उस टाइम में हो जाती है. ज्यादातर देखा जाता है लोग क्या कहते हैं, मतलब सॉल्यूशन देते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया जो है ना सॉल्यूशन वाला देश है. चाहे कितनी भी परेशानी हो, सॉल्यूशन निकल ही जाती है. तो उसमें से यही कहते हैं ऑयली चीज ना खाओ, ये ना खाओ, वो ना खाओ. ऑफकोर्स ये सही कहती है, कहीं ना कहीं ऑयल की वजह से ही होता है, जो कि हमारे स्किन में निकल आती है फ्रेंड्स. तो 17 और 21 के बीच में जो जो एक हार्मोनल चेंज होती है फ्रेंड्स, उस चेंज की वजह से, वो चेंजेस की वजह से ही हमारे स्किन में ढेर सारे पिंपल्स हो जाते हैं और हम जो है वो अजीब से दिखने लगते हैं. हमारा स्किन जो है वो बहुत अजीब से दिखने लगता है. किसी किसी में तो खड्डे भी पड़ जाते हैं और बहुत लंबी उम्र तक ये खड्डे बने रहते हैं. चाहे वो कितनी भी इलाज कराओ, कितनी भी होम रेमेडी लगाओ या कुछ करो, ये सारी चीज बने रहते हैं. मतलब पिंपल बहुत तरह की चीज होती है. एक तो पिंपल होती है वो अच्छे से जिद्दी मार्क्स लेकर के आती है बहुत ही, और उसे आप जितना टच करोगे वो धीरे धीरे टाइट होते चली जाएगी. एंड कुछ ऐसे पिंपल्स भी होते हैं, हम अभी एक्ने की बात कर रहे हैं तो एक्ने में बहुत सारे एक्ने आ जाते हैं. कई तरह की किस्मों की वैरायटी की एक्ने है, जैसे मार्केट बहुत सारी वैरायटीज के खाने की चीजें हैं, सेम टू सेम वैसे ही हमारे जो एक्ने हैं वो कई तरह की वैरायटी को लेकर के आते हैं. कुछ पिंपल्स ऐसे होते हैं, कुछ एक्ने ऐसी होती है कि निकली और अपने आप खत्म हो गई. कुछ ऐसे एक्ने होते हैं कि बस हमें एक आइस क्यूब की जरूरत होती है, सुबह में आइस क्यूब लगाया और शाम तक खत्म हो गई. और कुछ एक्ने ऐसी होती है कि बहुत दिन तक, सालों साल रह जाती है हमारे. कहीं अगर वो सावली सावला कॉम्प्लेक्शन हो, फेयर ना हो, तो वो ब्लैक स्पॉट्स नजर आती है उस वजह से, और अगर फेयर हो तो रेड स्पॉट्स नजर आती है. पर ये होता क्यों है भाई, यही तो जानना है इस वीडियो में. तो मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, दो तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो. पहला जो हार्मोन्स होता है फ्रेंड्स, उसका नाम है एस्ट्रोजन. यानी दूसरा जो हार्मोन्स होता है फ्रेंड्स, उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन. तो ये प्रोजेस्टेरोन जो है, ये दो तरह की, हमने अभी हार्मोन्स के बारे में आपसे बात की फ्रेंड्स. ये एक ऐसा हार्मोन्स है जब ये जो चेंजेस होते हैं, हमारा स्किन बहुत ज्यादा ऑयली सा होने लगता है. ऑयली होने की वजह से हमारे पोर्स जो है वो ब्लॉक होने लगते हैं, और ब्लॉक होते हैं तो उसमें एक्ने निकलना स्टार्ट हो जाता है. ये भी कहा जाता है फ्रेंड्स कि जब हमें पसीना आता है और कहीं ना कहीं एक पोर्स जो है वो लॉक हो जाती है, और वो जो पोर्स लॉक होती है वहां से पसीना नहीं निकल पाता है, स्वेट नहीं निकल पाता है, तो उस जगह पे एक्ने हो जाती है. तो एक ये वजह होती है. तो इसके लिए उपाय यही है, बचाव एक है. पहला तो मैं बचाव के बारे में बात करूं, हमें ऑयली फूड से बचना चाहिए एंड मीट से बचना चाहिए फ्रेंड्स. और ऐसा नहीं है कि आप नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं, खाएं पर उसकी मात्रा थोड़ा कम कर दें, बहुत ज्यादा ना. कि जब भी आप मेकअप करो तो रात में मेकअप जरूर उतार के सो, क्योंकि मेकअप से हमारे स्किन जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि इसे मिनिमाइज करने के लिए हम लोग टोनर लगाते हैं, होता है कि हमारा स्किन मिनिमाइज हो जाता है. मिनिमाइज हो जाने की वजह से पूरी तरह से बाहरी चीजें जो है वो, बाहरी हवा हो, बाहरी
हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि हमारी त्वचा जो है वो सांस लेना बंद कर देती है जब तक हमारे चेहरे पर मेकअप होता है। फ्रेंड्स, आप हमेशा से ये देखोगे कि जब हम मेकअप लगाते हैं और लगाते होंगे तो हमें गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, हमारे स्किन में पसीने स्वेट जो है बहुत ज्यादा आता है। वो इस वजह से आता है कि हमारी जो पोर्स है वो सांस लेना कुछ देर तक बंद कर देती है, वहां तक हवा जो है बाहरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है क्योंकि हमने ऑलरेडी मिनिमाइज कर रखा है अपने पोर्स को इस वजह से। तो ये, और जब हम अपने मेकअप को उतार देते हैं तो हमारी स्किन काफी हल्का लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, फ्रेशनेस लगता है। तो फ्रेंड्स, मेकअप भी जरूरी है लेकिन अपने मेकअप के साथ साथ अपने स्किन का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और एक्ने ना हो इस बात का ख्याल हमें टीनेजर्स के टाइम में रखना ही है। कभी भी हमें जब मेकअप करना हो तो रात में हमेशा मेकअप उतार के ही सोना चाहिए, और सोने से पहले जब हम मेकअप उतार लेते हैं तो गुलाब जल से हमें हल्का सा कॉटन से साफ कर लेना चाहिए, फिर देखिए सुबह खिला खिला सा चेहरा नजर आने लगेगा। एनीवेज, अब करते हैं हम उपाय, यानी कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन के लिए हमें कमेंट में आया था, जिसके लिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाई है, एंड मुझे जरूरी भी लगा कि मुझे ये बनाना भी चाहिए। वैसे तो डर्मेटोलॉजिस्ट शहर में बहुत सारे हैं, बट अगर उनके पास आपको नहीं जाना है और आप चाहते हो कि घर में बैठ करके होम रेमेडी के थ्रू मैं अपने एक्ने ठीक कर लूँ, अपने चेहरे को खूबसूरत बना लूँ, तो इसके बहुत सारे उपाय हैं। सबसे फर्स्ट उपाय मैं दूंगी फ्रेंड्स, और वो है नीम। नीम एंटीबैक्टीरियल होता है और पिंपल्स में बैक्टीरिया के थ्रू ही होते हैं, आप सभी को पता है। तो नीम पाउडर एंड सैंडलवुड पाउडर, यानी कि चंदन का पाउडर, नीम पाउडर, चंदन पाउडर एंड रोज वाटर। अगर आपके पास रोज वाटर नहीं भी है तो आप नॉर्मल पानी से या फिर हल्का सा फ्रिज का पानी ले लीजिए और उसे लगा लीजिए अगर गर्मी का दिन हो तो, फिर बहुत ज्यादा फायदा करता है। सेकंड चीज ये है फ्रेंड्स, आप बादाम का तेल उसमें बिल्कुल यूज मत करना उस बीच में, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो है वो अपने स्किन को शाइन करने के लिए ग्लो लाने के लिए आमंड ऑयल का यूज करती है, उसे एक फेशियल ऑयल की तरह यूज करती है। तो अगर आप में पिंपल की प्रॉब्लम है तो ये सबसे पहले आप बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि पिंपल की शुरुआत ऑयल से ही, वापस से आप ऑयल लगाए जा रहे हो तो सोच के देखो, डेफिनेटली होगा ही होगा पिंपल, एंड क्योर होने की तो मेरी सबसे संभावना बहुत ही कम हो जाती है। एंड सेकंड चीज है, हल्दी भी लगानी चाहिए फ्रेंड्स, हल्दी का यूज होता है एंड हल्दी का यूज बहुत ही अच्छा होता है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि शादियों में हल्दी का लेप लगाते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं, तो हल्दी, चंदन एंड गुलाब जल को मिक्स करके आप इसीलिए लगा सकते हो। एंड मैं आपको बता दूं कि हल्दी थोड़ी कम मात्रा में लेना, चंदन थोड़ी ज्यादा मात्रा में लेना, यानी कि हल्दी आप अगर 1 teaspoon ले रहे हो तो चंदन जो है वो 2 teaspoon लेना, ठीक है, क्योंकि हल्दी थोड़ी गर्म भी होती है, एंड उसमें गुलाब जल मिला देना। इन सभी चीज़ों को मिक्स एंड मैनेज करने के लिए मैं ये कहती हूँ, क्योंकि वो ठंडी है एंड आपको खिला खिला सा सुंदर सा निखार दे देगी। एंड मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि एंटीसेप्टिक भी होती है हमारी हल्दी, एंड एंटीबैक्टीरियल है, वो आपको अच्छे से पता है। तो इन सबका मिक्सचर बना के आप इजीली इसका यूज कर सकते हो अपने पिंपल्स के लिए, फटाफट से दूर हो जाएंगे और आपको फेयरनेस वाली त्वचा मिलेगी, यानी कि गोरा गोरा फेयर। और अगर आप ये नहीं कहते हो कि काले फटाक से गोरे हो जाएंगे, एकदम दूध की तरह उजले हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप हाँ, अगर आप लगाते हो ग्लो करेगा, शाइन आ जाएगी, बहुत सुंदर सा चेहरा हो जाएगा। एंड थर्ड जो रेमेडी है वो रोज वाटर है और प्लस लेमन है, तो आप लेमन जूस भी यूज कर सकते हैं, बट लेमन जूस थोड़ा सा यूज करना क्योंकि वो एसिडिक चीज है, तो एसिडिक चीजें बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा सा करना है, यानी रोज वाटर डबल होना चाहिए, उसका आधा होना चाहिए लेमन जूस, ठीक है, उसे भी आप थोड़ी देर के लिए लगा करके उसके बाद हटा सकते हो। लेकिन लेमन जूस है क्योंकि ये एसिडिक है, इसीलिए हम इसका रोज इस्तेमाल नहीं कर सकते, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही कर सकते हैं। बाकी चीज का इस्तेमाल जो है वो हफ्ते में 2 दिन हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसका यूज करो, आपको असर अच्छा आएगा। एंड इससे जुड़े कोई और सवाल हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू हो तो, एंड अगर ऐसा लगता है कि ये वीडियो शायद आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स को थोड़ी पसंद आ जाए या फिर कुछ यूजफुल लगे तो आप उन्हें शेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय, लव यू।